अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं तुम कुछ लोगों को कांदा भजिया बनाने बता रही हूँ। और इसमें मैंने लिया दो प्याज, चार मिर्ची, थोड़ी कोतमीर और जीरा एक चम्मच। हाँ, और फिर एक बड़े कप बेसन ली हूँ और इसमें हम मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा हल्दी डालेंगे, एक चम्मच के करीब। फिर नमक डाल देंगे हसब जायका और फिर हम इसको मस लेंगे। इस तरह मसलने से ना ये भजिया ज़्यादा टेस्टी होती है, जैसे बाहर बिकती है जहाँ पे अच्छी भजिया रहती है, पसंद करते हैं वही भजिया। ये मैं आप लोग को सिखाने जा रही हूँ। पहले इसको पानी नहीं डालेंगे, इसी तरह मिक्स करते रहेंगे। अभी इसमें हमें हल्दी थोड़ा कम दिख रही है क्योंकि आधा चम्मच ही डाले थे, इसलिए हम आधा चम्मच और डाल देंगे। अभी हम मिक्स कर चुके और इसमें पानी थोड़ा भी नहीं अब दिख रहा है। भजिया बनाने में जो कादा डालते हैं उसमें भी पानी का असर रहता है, इसीलिए ऐसा मिक्स करते हैं। अब हम हल्का सा पानी बस थोड़ा थोड़ा करके देंगे और इसको इकट्ठा करते जाएंगे। इस चीज़ का ध्यान दें, पानी ज़्यादा ना डालें, उससे भजिया ख़राब हो जाती है। आज मैं सोची तुम लोग को भजिया बनाकर दिखाऊं जो मेरे हाथों की सब लोग पसंद करते हैं, तुम लोग को भी बनाना सिखा दूं। अभी थोड़ा और सख्त है जिसकी वजह से हम थोड़ा और पानी देंगे। ये जब गिल्ली हो जाती है ना पानी ज़्यादा होने की वजह से, तो ये भजिया अच्छी नहीं होती खाने में, ये कुरकुरी होती है। इस तरह थोड़ा थोड़ा पानी डाल के जब हम बनाते हैं ना, इस तरह मिक्स करते हैं, वक्त तो लगता है इसमें, इस तरह करने में मेहनत भी लगती है, लेकिन ये भजिया बहुत टेस्टी होती है खाने में। दिए हैं, तेल गरम हो रहा है, अब ये बिल्कुल गरम हो चुका है। अब इसको हम चेक करते हैं, थोड़ा सा डाल के देखो बबल उठने लगा है इसमें, इसकी वजह से अब भजिया डाल सकते हैं। तेल बिल्कुल तैयार है भजिया को लेने के लिए। हाँ, अब हम थोड़ा थोड़ा इसी डालते जाएंगे। ना तेल बहुत गर्म हो और ना ही ठंडा हो, पहले अच्छा सा गर्म कर लेने का, फिर मीडियम गर्म तेल में भजिया डालते जाएंगे। ये भजिया का तरीका मैंने भजिया वाले से ही सीखा है। मुझे एक जन की भजिया बहुत पसंद थी, वहाँ खड़े होकर मैं देखते रहती थी, तब जाके मुझे ये तरीका समझ में आया कि घर की भजिया क्यों सही नहीं होती है। हम लोग डायरेक्ट पानी भर देते हैं जिसकी वजह से भजिया सही नहीं होती थी, वो हल्का हल्का लपेटता रहता है पहले बगैर पानी के, बाद में हल्का पानी डाल के सबको इकट्ठा कर देता था। उसी तरीके पे जब मैं घर आके बनाई, तब से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भजिया इतनी अच्छी होती है, जहाँ रहती हूँ कि हर कोई मेरी ही भजिया खाना पसंद करता है। अभी ये मैं डाल दी हूँ और तेज़ आँच पे ही बनाएंगे शुरू में। अभी देखो ये तैयार होने जा रही है, बस थोड़ा और बाकी है। इसके बाद ये देखो अभी भजिया ये तैयार हो गई। मुस्तकिल मैंने मीडियम आँच पे, पहले तो फास्ट रखी थी बाद में मीडियम कर ली थी। सीलो नहीं करेंगे, हाँ सीलो करेंगे तो तेल बहुत ज़्यादा सोख लेता है, जिसकी वजह से भी तेल की वजह से भी भजिया अच्छी नहीं होती है। ये देखो कितनी कुरकुरी कुरकुरी भजिया हुई है। अब इसको हम उतार लेंगे,
अब ये गोल्डन कलर पे आ गई है, अब ये बिल्कुल उतारने लायक हो गई है। अब इंशाल्लाह हम इसको निकालेंगे और दूसरा उसमें फिर डालेंगे। इसमें कोथमीर भी थोड़ा और पड़ती है, हमारे पास नहीं थी, बनाए हैं दो प्याज का ही ये बनाए हैं भजिया। ये हमारी लास्ट हो रही है, अभी हम पूरी ये भजिया डाल दे रहे हैं। सोचे आज आप लोग को भजिया सिखा ही देते हैं, रोज इरादा करते थे। हमारे घर मेहमान आए हुए थे, हम सोचे चलो आज भजिया ही बना के उनको भी खिलाएं और साथ साथ आप लोग को भी खिलाएं। देखो अभी देखना कितनी ज़्यादा दो प्याज में भजिया तैयार होती है और बहुत ही टेस्टी। इंशाल्लाह आप लोग ट्राई करेंगे ना तो बहुत खुश हो जाएंगे वीडियो देखकर, क्योंकि इस भजिया के लिए मैं बहुत खुद कोशिश करती रहती थी मुस्तकिल कि ये कैसे भजिया तैयार होती है, लेकिन मुझे खुद नहीं उसका तजुर्बा था और ना हमारे घरों में इस तरह कोई बनाता था। हम खड़े होकर जगहों पर हर चीज़ जो हमें लग है ना, ये मैंने मिर्ची फिर फ्राई कर ली भजिया निकालने के बाद, ताकि एकदम बाहर वाली जो भजिया ख़रीद के लाते हैं वैसे ही हो जाए। ये भजिया का तरीका आपका इंशाल्लाह आप लोग को पसंद आएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन को दबा दीजिए। अगली वीडियो में इंशाल्लाह इससे बेहतर डिश इंशाल्लाह बताने की कोशिश करेंगे।